नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिवाली दियों का त्योहार, लक्ष्मी माता को लाने का त्योहार। कहते हैं कि आज के दिन मां लक्ष्मी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, बस नियम पूर्वक पूजा पाठ करनी होती है। चूंकि ये मुहूर्त अति शुभ होता है, सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, और इसीलिए आज के दिन किए गए कुछ टोटके भी बेहद कारगर साबित होते हैं। तो आज हम इन्हीं छोटे छोटे टोटकों पर बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पूजा भाटिया जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि अपार धन संपत्ति के लिए क्या कुछ टोटके हैं जो आम लोग कर सकते हैं? चूंकि लक्ष्मी माता की पूजा इसीलिए की जाती है कि धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी माता हमारे घरों में आए, तो इसके लिए क्या टोटका है कि अपार धन की प्राप्ति हो सके? जी जरूर। देखिए, दिवाली की रात जो होती है वो बहुत ही शुभ होती है, तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली पे कुछ खास उपाय हम कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहला उपाय हम दिवाली पे क्या कर सकते हैं, हम श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, गणेश लक्ष्मी यंत्र की पूजा कर सकते हैं। कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है दिवाली के दिन। दिवाली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी को 10 पीली कौड़ियां चढ़ाएंगे तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, और उन कौड़ियों को यदि आप लाल कपड़े में बांधकर दिवाली पूजन के बाद अपनी तिजोरी में रखेंगे तो कहा जाता है कि लक्ष्मी माता वहां स्थापित हो जाती हैं, और साथ ही आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। आप दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर अवश्य जाएं और वहां जाके माँ को लाल वस्त्र अवश्य अर्पित करें, इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बिल्कुल। नौकरी में जो बाधाएं आती हैं उसे कैसे खत्म किया जाए इस दिवाली के मौके पर? जी देखिए, नौकरी में अगर आपकी बाधाएं आ रही है तो दिवाली एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप बहुत ही स्ट्रांग उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गाय को आटे के पेड़े में गुड़ रखकर खिलाना है। जब आप गाय को गुड़ खिलाएंगे और साथ ही यदि आप गुड़ चना भी खिलाएंगे, और कोशिश कीजिए अपने हाथ से खिलाएं, इससे बहुत ही शुभ होगा और नौकरी के रास्ते आपके खुल जाएंगे। शनिवार वाले दिन आपको क्या करना है, क्योंकि शनि जो है जॉब का कारक होता है, तो आप शनिवार वाले दिन एक मंत्र कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का जाप आप 108 बार करेंगे तो शनि महाराज की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी और आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। कुछ नींबू के भी टोटके होते हैं, उसमें आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है और उसके ऊपर आपने क्या करना है कि चार दिशाओं में चार लौंग गाड़ देने हैं, और जब आप इस नींबू को गाड़ देंगे तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करके इस नींबू को अपने पास रख लें, और जब इंटरव्यू में जाएं तो इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही आप 12 मुखी रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं जो नौकरी के रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। मैम, अगर बिजनेस में घाटा आ रहा है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं जो करना चाहिए? देखिए, बिजनेस में यदि आपके घाटा आ रहा है तो आपको क्या करना है, दिवाली की शाम को पीपल की जड़ में साबुत उड़द दाल सिंदूर दही चढ़ाना है, और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं, इससे आमदनी में बढ़ोतरी होती है और बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होती है। यदि आप यंत्र पूजन करते हैं तो यंत्र पूजन की बहुत मान्यता है, और इससे बिजनेस में लाभ के साथ आप क्या कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं, इससे अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और चाहे तो शुभ मुहूर्त देखकर आप इस यंत्र को अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको इस यंत्र की स्थापना करनी है, और महालक्ष्मी का जो मंत्र होता है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, हर मंगलवार वाले दिन आप पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से राम राम लिखिए और उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर आइए, बिजनेस में आपके कभी भी घाटा नहीं होगा। आप उत्तर दिशा की दीवार पर चाहे तो अपने कार्यस्थल पर एक तोते की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तोता जो होता है हरा रंग होता है और वो बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व होता है, तो हरा रंग जो होता है ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का भी रंग होता है और आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ लेकर आएगा।
आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन क्या कर सकते हैं, गुड़ चना भी बांट सकते हैं, इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही आप यदि कुत्ते को, गाय को और कौवों को लगातार रोटी खिलाएंगे तो इस चीज की मान्यता है कि आप पे भगवान की कृपा बरसती है। साथ ही आप कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख ले लें और उस राख को एक कागज पर रख लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस राख का जो कागज में आपने रखी हुई है उसको अपने दुकान या घर में ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप धन रखते हैं। इससे देखिए आपका धन स्थापित हो जाएगा और कभी कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल, जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उन्हें कैसे छुटकारा मिल सकता है कर्ज से, इसके बारे में क्या कुछ उपाय हैं? जी देखिए, कर्ज से तो बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, तो दिवाली पे इस पे आप खास उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दिवाली की शाम को लक्ष्मी माँ को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है और उस भोग लगाने के बाद उस मिठाई को आपको गरीबों में बांटना है। आपका जितना भी पुराना कर्ज होगा बहुत जल्द आपको उससे राहत मिल जाएगी। और संतान सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या कुछ टोटके उसके लिए होते हैं? देखिए, संतान सुख तो एक ऐसा सुख है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है, तो दिवाली के दिन आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना है, एक चांदी की बांसुरी लेनी है और चांदी की बांसुरी लेकर आपको राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना है और ऐसा करने के बाद आपको 43 डेज तक लगातार कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहिए और साथ ही गाय को चारा जरूर खिलाते रहिए। जो भी दंपति गुरुवार का व्रत कर पीले वस्त्र पहनता है और पीली वस्तुओं का दान करता है मंदिर में, उसको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। बिल्कुल, अगर नजर दोष से बचना है तो उसके लिए क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, नजर दोष दिवाली के आसपास तो बहुत मेजर अमावस्या होती है, तो नजर दोष के खास उपाय होने चाहिए दिवाली के आसपास। तो आपको क्या करना है, दिवाली की रात को सरसों के तेल से एक काजल बनाना है और उसे घर के मुख्य द्वार पर उस काजल का एक टीका लगाना है। आपको क्या करना है, दिवाली की रात को बच्चे के माथे पर दाई तरफ ये टीका लगाए, इससे आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी और अगर कोई उस पे नेगेटिव एनर्जी है या कोई टोना टोटका है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, वो उसका खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर आप दुकान में हैं या अपने कार्यस्थल में, अपने बिजनेस के ऑफिस में, प्लेस में, आप नींबू मिर्ची भी टांग सकते हैं। साथ ही क्या कर सकते हैं, खाने की सभी चीजों को आप एक पत्तल में रखकर उसपे थोड़ा सा गुलाल बिखेर कर आप इसे किसी चौराहे पर रखकर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये करने के बाद आपने पीछे पलटकर नहीं देखना है। आप एक फिटकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं और उसको सिर से लेकर पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर आप उस टुकड़े को आग जला के घर के बाहर फेंक सकते हैं, इससे भी नजर दोष उतर जाती है। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, संतान के विवाह में अगर बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, संतान के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो सबसे पहले आपको पार्वती माँ का मंगल का हर दिन का पाठ करना है। यदि आपकी जिंदगी में मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष को हटाने में आपको हनुमान जी का व्रत रखना है और उनकी पूजा भी करनी है। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और उसके साथ ही आपको सिंदूर भी चढ़ाना है। हो सके तो रामायण के बालकांड का पाठ करें। यदि आपके बच्चे की शनि की वजह से, कुछ शनि बाधा होने की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना है। साथ ही लाल कपड़े में आपको साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान में देना है। यदि गुप्त दान से आपकी बाधा खत्म होती है तो आप गुप्त दान भी कर सकते हैं, विवाह के लिए किसी का के लिए आप हेल्प कर सकते हैं और गुप्त दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप गुरुवार को पीला वस्त्र आप धारण करें, साथ ही चने की दाल, केला, हल्दी और केसर का सेवन करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करें, इससे भी विवाह के योग जो है शीघ्र ही खुल जाते हैं। कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा पाएं टोटकों के जरिए? कोर्ट कचहरी के मामले जो बहुत ही पेचीदा है उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको एक पीला नींबू लेना है, उस नींबू के चारों कोने पर आपको 4 लौंग गाड़नी है और आप इस नींबू को कचहरी ले जा सकते हैं, जिस दिन आपकी सुनवाई हुई है उसे अपने पास रखें, इससे निश्चय ही आपको फायदा होगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक टूटा हुआ भोजपत्र खरीदें और अनार की लकड़ी लें और उससे अपने शत्रु का नाम लिखें और उस
छत्रों के नाम लिखे हुए भोजपत्र को शहद की शीशी में आप डुबो कर रखें, धीरे धीरे शत्रु का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पूजा स्थल पर 4 गोमती चक्र स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, धीरे 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 कोर्ट कचहरी के मामले आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। गोमती चक्र को आप अपनी दाईं जेब में रखें और एक मुट्ठी बिना टूटे हुए सफेद चावल लेकर जाए जिस दिन आपकी सुनवाई होनी है, और उसको क्या करना है, जिस जगह पर सुनवाई हो रही है वहां पर चुपचाप दाईं ओर फेंक दे, किसी को दिखना नहीं चाहिए। साथ ही आप क्या करें, लाल या सिंदूरी रंग का 7 या 5 रत्ती का मूंगा ले सकते हैं और वो तिकोने आकार का होना चाहिए, और उसको सोने की अंगूठी पहनाकर बुधवार को आप पहन सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको अपनी जन्मपत्री के हिसाब से ही करना है, बिना जन्मपत्री के हिसाब से आपको ये उपाय मूंगे का नहीं करना है। तो बिल्कुल कोर्ट कचहरी के परेशानी से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो ये जो तमाम उपाय बताए गए हैं डॉक्टर पूजा भाटिया की ओर से वो आप जरूर करें ताकि आप इन तमाम परेशानियों से बच सके। और चलिए बात करते हैं कि शनि की 7.5 से कैसे बचे, क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय हैं। मैम देखिए, शनि की 7.5 के तो बहुत उपाय होते हैं और दिवाली का दिन बहुत खास होता है। आप दिवाली वाले दिन यदि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे और साथ ही पीपल के पेड़ में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का निवास होता है, तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पूजा करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा करते हैं, तो 7.5 के प्रकोप से आपको काफी राहत मिलती है। साथ ही शनिवार का जल आप लेना है और शनिवार वाले दिन आपको तेल का दिया जलाना है, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, इससे भी शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है। और साथ ही आप एक शनि मंत्र भी कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र आप कर सकते हैं, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप शनि मंदिर में शनि चालीसा भी कर सकते हैं और आरती करते हुए यदि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चय ही 7.5 या ढैया से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। साथ ही दान पुण्य की बात करें तो आप काला तिल दान कर सकते हैं, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द या फिर जूते चप्पल भी आप दान कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, शनिवार को एक कटोरी में तेल लेना है और उस तेल में अपना चेहरा देखते हुए मन में आपको शनिदेव का स्मरण करना है, शनिदेव के मंत्र करने हैं, और इस तेल को आपको शनि मंदिर में जाकर दान में दे देना है, इससे भी शनि का प्रकोप कम होता है। यदि आप किसी लाचार इंसान को दान देंगे तो या फिर चींटियों को आटा या शक्कर मिलाकर खिलाएंगे, इससे भी शनिदेव का प्रकोप जो है वो कम होता है। सुबह शाम यदि आप काले नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें और या फिर मीठी रोटी पर तेल लगाकर यदि आप कुत्ते को खुलाएं तो भी शनि की 7.5 में आपका जो है बहुत आपको बहुत राहत मिलती है। तो बिल्कुल ये वो तमाम उपाय हैं जिनसे आप बच सकते हैं। 10 टोटके हमने आपको बताए और दिवाली पर इन टोटकों का इस्तेमाल करके आप तमाम बाधाओं से दूर हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीजों को बताने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे उन्हें तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।